उगना महादेव की सच्ची कहानी। भगवान भोलेनाथ की महिमा अपार है। उन्होंने अपने सच्चे भक्तों का हमेशा साथ दिया है, परंतु ये घटना सचमुच चकित करने वाली थी। जब भक्त की भक्ति से प्रसन्न होकर भोले बाबा उनके नौकर बनने को तैयार हो गए। कहा जाता है कि मैथिली के सर्वोपरि कवि विद्यापति जी भोले शंकर जी के बहुत बड़े भक्त थे। उनकी भक्ति से भोलेनाथ इस तरह प्रसन्न हुए कि वे नौकर के रूप में विद्यापति के साथ रहने को भी तैयार हो गए। लोकमानस कथा के अनुसार भगवान शिव अपना भेष एक मूर्ख गवार के रूप में बदलकर अपना नाम उगना रख विद्यापति के पास आए। और उनसे नौकरी पर रखने के लिए प्रार्थना करने लगे। विद्यापति जी ने कहा, भला मैं इतना सक्षम कहाँ हूँ जो तुम्हें नौकरी पर रख लूँ। परंतु जब उन्होंने काम के बदले केवल दो वक्त का भोजन मांगा, तब कवि महोदय मना नहीं कर पाए। उगना के यहाँ काम करते करते धीरे धीरे विद्यापति के विश्वासी बन गए। विद्यापति कहीं भी जाते वे उगना को अपने साथ ले जाते। उगना भी उनके साथ हाँ में हाँ मिलाता। एक समय की बात है, विद्यापति को राज दरबार में जाना था। वे उगना के साथ चल पड़े। जेठ का महीना था, सूर्यदेव अपनी पराकाष्ठा पर थे। तीखी धूप से सारा बदन जला जा रहा था, साथ ही प्यास से गला भी सूखने लगा। रास्ते में कहीं पेड़ पौधे भी नहीं थे जिसकी छांव में वे थोड़ा विश्राम कर लेते। विद्यापति जी की प्यास धीरे धीरे बढ़ने लगी। आखिरकार जब उनसे रहा नहीं गया, तब वे उगना से बोल पड़े। उगना, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है। प्यास के मारे इतनी बुरी स्थिति हो गई है कि मैं अब थोड़ा भी नहीं चल पाऊंगा। मुझे कहीं से जल लाकर दे दो। इतना कहकर उसने अपने झोले से लोटा निकालकर उगना की तरफ बढ़ा दिया। उगना ने दूर दूर तक अपनी नजर दौड़ाई, कहीं भी कुआं, सरोवर या नदी दिखाई नहीं दी। तब भक्त के कष्ट को हरने के लिए उगना लोटा लेकर झाड़ियों के पीछे गए और अपने असली रूप में आ गए। अब उगना भोलेनाथ बन चुके थे। अपना असली रूप धारण करते ही उन्होंने अपनी जटा खोली और फिर जटा से गंगा जल निकालकर लोटा भरकर अपने मालिक की तरफ बढ़ चला। उन्होंने जल का लोटा आगे बढ़ाया, विद्यापति को देते हुए कहा, आसपास में कहीं भी जल नहीं मिला, मैं इसे बहुत दूर से लाया हूँ। विद्यापति प्यास से व्याकुल थे, उन्होंने सारा जल एक ही सांस में पी लिया। जल पीते ही उन्हें महसूस हुआ, ये तो कोई साधारण जल नहीं है। तब वे उगना से बोल पड़े, साधारण जल का स्वाद तो ऐसा नहीं होता है, ये जल नहीं गंगा जल है। यहाँ जब दूर दूर तक कोई घर नहीं है, नदियां तालाब कुछ भी नहीं है, फिर तुमने ये जल कहां से प्राप्त किया? ऐसा जल तो केवल मात्र भोलेनाथ शिव के पास ही होता है। अचानक उन्हें लगा, कहीं उगना ही तो भोलेनाथ नहीं। ऐसा ख्याल आते ही वो उगना के चरण पकड़कर कहने लगे, यदि उगना के रूप में आप ही भोलेनाथ हैं, तो आज अपने भक्त को दर्शन अवश्य दें। भक्त के इस प्रेम से
भाव विभोर होकर अंत में उगना ने विद्यापति जी को अपना शिव का रूप दिखाया और बोले, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, परंतु इस बात को गुप्त ही रखना। यदि तुमने किसी के सामने इस सच को प्रकट किया तो मैं चला जाऊंगा। इतना कह शिव जी पुनः उगना के रूप में आ गए। एक दिन विद्यापति की पत्नी सुशीला ने उगना को कोई काम करने के लिए कहा। उगना को काम करने में कुछ देर हो गई, जिस कारण सुशीला क्रोधित हो गई और नीचे रखे झाड़ू को उठा उगना को झाड़ू से मारने लगी। उगना झाड़ू की मार खा ही रहे थे कि विद्यापति की नजर उन पर पड़ी और अपनी पत्नी सुशीला को डांटने लगे, लेकिन सुशीला झाड़ू से उगना को मारती रही। इस पर भाव वेश में आकर विद्यापति सुशीला से बोले, अरे यो मूरख ना समझ नारी, जिसे तुम मार रही हो ये कोई साधारण आदमी नहीं है, ये तो साक्षात शिव जी है। उसके इतना कहते ही उगना वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। तब विद्यापति बहुत दुखी हुए और वो भोलेनाथ को पागलों की तरह ढूंढते हुए इधर उधर भटकने लगे। अपने भक्त का दुख आखिरकार भोलेनाथ से देखा नहीं गया और एक दिन वो विद्यापति के समक्ष प्रकट हो ही गए। भक्त ने हाथ जोड़कर पुनः साथ चलने का निवेदन किया। तब शिवजी ने कहा, तुम्हारी मनोकामना मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। मैं अब हमेशा के लिए अपने आप को इसी गांव में लिंग रूप में स्थापित कर दूंगा। कहा जाता है कि जिस स्थान पर उगना ने अपना शिव रूप विद्यापति को दिखाया था, उसी जगह पर एक शिव लिंग प्रकट हुआ और आज वही स्थान बिहार के मधुबनी जिले में भवानीपुर के नाम से प्रसिद्ध हो चुका है। इसी स्थान पर उगना महादेव का विशाल मंदिर बना हुआ है।